अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, क्योंकि आज फ्राइडे था और फ्राइडे को काम थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा मसरूफ़ थी सुबह। तो हम नमाज़ वग़ैरह पढ़ के सारे कामों से फ़ारिग होकर आराम करने के लिए थोड़ा रेस्ट करने लगे थे, और अभी शाम के बज रहे हैं 5। तो मैं वही तो बता रही हूँ कि मैं मसरूफ़ थी आज, तो मैं आज शाम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना। तो अभी जो तो आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही थी आप? मैं खेल रही थी पतंगर पैरोट के साथ। आपने टेस्ट याद किया? तो हम शिफा को टेस्ट याद करवा रहे थे और साथ ही साथ हम जो है किचन में चलते हैं। शिफा तो मस्तियों में लगी हुई है अपनी बिल्लियों के साथ, कैटीज को लेकर आई हैं ये। तो अभी हम चलते हैं किचन की तरफ। तो हमारी यहाँ लाइट जा चुकी है और मैंने जो है चिकन फ्रिज से निकाल के रखा था, तो मैंने यहाँ चिकन का मसाला जो है वो भुनाई के लिए रख दिया है। साथ ही हम इसमें जो है वो आलू डाल देंगे, तो हम यहाँ चिकन और आलू का जो है सालन बना रहे हैं। और फिलहाल अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो हमने झटपट से यहाँ सालन चढ़ा दिया है। लाइट भी हमारी अभी फ़िलहाल गई है, अब देखें कब आती है। आटा अल्लाह का शुक्र है हमारा गूंदा हुआ रखा है, इसलिए टेंशन नहीं है। तो बस अब हम मसाला भुनने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने सालन भी तैयार कर लिया है, आलू चिकन का सालन, और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। चलें अब हम शिफा के लिए जल्दी से एक पराठा बनाते हैं, क्योंकि वो सोएंगी, उनको नींद आ रही है, इसलिए लाइट भी अभी बस आने ही वाली है हमारी।